हेलो गाइस, और बहुत दुखी की बात है और हम लोग समझ रहे थे कि मालती की गलती होगी, लेकिन मालती चौहान की कोई गलती नहीं है और हम लोग जान नहीं पाए हैं। और आज हम दो तीन दिन से फोन नहीं देख रहे हैं क्योंकि आज हम बहुत ज़्यादा दो तीन दिन से बिजी हैं घर में, इसलिए और वीडियो सही से नहीं बन पा रहा क्योंकि गाड़ी में बैठे हुए हैं आगे गाड़ी, क्योंकि बहुत भारी हुई है, वीडियो सही से नहीं बन पा रहा है, फिर भी बना रहे हैं, वीडियो हम काट दे रहे हैं। और हाथ दर्द होने लग रहा है क्योंकि बहुत गलत जगह बैठे हैं। और आज जब हम प्रोग्राम पे निकले अपने काम पे जा रहे थे तो फोन देखे, आज वीडियो अच्छे से देखे हैं तो समझ गए कि हाँ सच बात है, वैसे नहीं समझ में आ रहा था कि फेक वीडियो है। और सही बात है कि मालती का देहांत हो गया और किसने किया ये उनके पति ही ने किया है, साफ साफ दिख रहा है। देते अलग कमाते खाते, यूट्यूबर थे, अच्छी करियर थी इनकी, कहीं भी कमा खा लेते, लेकिन विष्णु राज ने बुला के घर पे मार डाला, अपने रास्ते से साफ ही कर दिया क्योंकि वो कह भी रहा था कि हम मालती चौहान को मार ही डालेंगे क्योंकि उसका पोस्टर जो वहाँ पे लगा था स्टूडियो वगैरह पे तो सब हटा दिया था। और जब मालती को मरना ही होता तो जब अलग गए थे तभी वो सुसाइड कर लेती, घर में आके क्यों मरती, इसने ही मार डाला लड़की के ही चक्कर में। और पति ना क्या बताएं, औरत तभी गलत होती है जब खुद मजबूर हो जाती है तो अपने आप ही अपने आप को गलत ही बना लेती है। मालती को ही मजबूर किया गया था अर्जुन चौहान से, अर्जुन वर्मा जो भी हूँ, शादी करने के लिए, तो क्योंकि बताना था कि विष्णु राज को मालती चौहान को रास्ते से हटाना था क्योंकि मालती चौहान से ही वो आगे बढ़ गया था तो उसको अच्छी अच्छी लड़कियाँ मिलने लगी और वो वीडियो बनाने लगा अच्छा अच्छा, तो उसको अच्छी लड़कियाँ चाहिए इसलिए मालती का सुसाइड कर दिया। इसको बहुत कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए और मेरे बस में पुलिस और कोर्ट कचहरी होता तो शायद मैं इसको अभी तुरंत की ही फांसी पे लटका देती, लेकिन मेरे बस में मेरे टेंडर में पुलिस नहीं है। और ये सब नहीं, सब कोई कह रहा है, बहुत सारे लोग वीडियो बना रहे थे कि मालती चौहान गलत है, हम लोग भी वीडियो बनाए थे कि मालती चौहान गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन सच सच जब ही पता होता है, जब उसके घर के बगल में रहो, जब उसके आठ पड़ोसी में उसकी बातें सुनो तो सच सबको पता चलता। अब हम लोग बहुत दूर दूर है लखनऊ से और कहाँ कहाँ से हैं लोग, क्या जाने क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, क्योंकि इनके बारे में बहुत सारा ऐसे बार बार हो चुका है, इसीलिए बाकी चलिए ठीक है, अब तो वो दुनिया में है नहीं, उनको आत्मा को भगवान शांति दे, लेकिन विष्णु चौहान को तो छोड़ना ही नहीं चाहिए, अब उनको तो फांसी का सजा ज़रूर होना चाहिए। प्लीज़ दोस्तों, आप लोग मालती चौहान का सपोर्ट करिए, अब तो वो दुनिया में नहीं है लेकिन अब उनकी आत्मा को सपोर्ट करिए कि विष्णु चौहान को फांसी का सजा हो और ये कहीं पर ना रह जाए। जब वो अपने बेटे की नहीं रही तो ये भी अपने बेटे के ना रहे, ये सोच रहे हैं अब वो तो मर गई हम अपनी लाइफ अब जी लेंगे, तो इनको अपनी लाइफ नहीं जीने देना है। गोरखपुरिया बहुची आप भी सुन रही होंगी, आप न्याय दिलाती हैं तो आप मालती चौहान को न्याय दिलाइएगा ज़रूर, आपको सब गुरु मानते हैं, बड़ी मानते हैं, इसलिए मैं अभी आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, और विष्णु चौहान को कहीं का नहीं छोड़ना है, जितने सारे यूट्यूबर हैं सब कुछ रिक्वेस्ट है, सब कोई उसको मिलके इतना जूता इतना लाख मारो कि कहीं बना रह जाए वो।